तो नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आयोजित पर्यटन पर्व महोत्सव के मुख्य मंच पर उत्तराखंड की संस्कृति को बखूबी दिखाया गया है और इसी को लेकर R9 टीवी की संवाददाता भावना अरोड़ा ने उत्तराखंड से आई वसुधा से खास बातचीत की। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, बिल्कुल आपने सही सुना। और जब हम पर्यटन पर्व की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि एक बार उत्तराखंड का दौरा कर लिया जाए, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि इस पर्यटन पर्व के मौके पर आप आ सकते हैं इन स्टॉलों पर, जहाँ पर आप कई संस्कृति समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात करूँ तो फिलहाल वसुधा जी मेरे साथ मौजूद है, जो बताने वाली है कि किस तरीके से वो उत्तराखंड के गांव से आई है, जहां पर उन्होंने कई महिलाओं को एम्पावर भी किया है और साथ ही साथ रोजगार भी प्रोवाइड कराया है, और वहीं ज़मीनी स्तर पर पैदा होने वाले छोटे छोटे घास फूस से किस तरीके से सामानों को क्रिएट किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, उसको भी उन्होंने किया है। सीधा उन्हीं से रूबरू करती हूँ। वसुधा जी, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ पर महिलाओं को कनेक्ट करना, और जब मैं उत्तराखंड लिहाज से बात करूं पलायन एक बड़े स्तर पर दिखाई देता है, ऐसे में रोजगार देना, और किस तरीके के आपने महिलाओं को रोजगार दिया और क्या क्या चीजों से जो है आप क्रिएटिव जो है दिल्ली मर लेके आई है। तो अभी तो हमने शुरू किया था इनको हैंडीक्राफ्ट से, ये जैसे ऊनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हाँ जी, तो इनका पहले ये होता था कि अपने बच्चों के लिए टोपी बना दिया या छोटे छोटे स्वेटर बना दिया। तो हमारी यहाँ पे मैनेजर थी जो कैरन है, और ये बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट करते हैं, तो इन्होंने फिर गैदर करके औरतों को उनको और डिज़ाइन सिखाए, जैसे कि शहर में पहनना चाहते हैं वैसे डिज़ाइन इनको बताए, और वो इनको सिखाया, और एक औरत आई, फिर दो, और अब 20 औरतें हमारे साथ जुड़ गए हैं गाँव से, जो ये सारे ऊनी कपड़े क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से आधुनिकीकरण यहाँ पर कपड़ों के जरिए दिखाया गया है, कि उन्हीं कपड़ों से जो है इस तरीके से डिज़ाइन बनाए गए हैं कि आप अगर चाहे तो बाहर निकलते हुए भी पहन सकते हैं। फिलहाल जो महिला मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इस कपड़ों का डिज़ाइन बनाया है, सीधा मैं उनसे आपको रूबरू करवाती हूँ। मैं आपसे सवाल करूँगी, ये दिमाग में ये सोच, ये आइडिया कैसे आया, कैसे महिलाओं को जोड़ने का आइडिया आया कि चलिए अब कुछ ऐसा जो है क्रिएटिव किया जाए कि लोग भी जुड़े और साथ साथ उनको कुछ नया पहनने के लिए। ये एक्चुअली मैंने इस ये शुरू, मुझे निटिंग और क्रोशिंग का बड़ा शौक है, तो मैं जब परवड़ा में गई थी, परवड़ा बंगलोस हमारा जो रिजॉर्ट है वो मैनेज करने के लिए उस वक्त, तो मैंने देखा था कि औरतें भी अपनी बुनाई का काम कर रहे हैट्स और अपने बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको इकट्ठा करके इनके नए नए डिज़ाइन सिखा दें और उनको इनका अपनी इंडिपेंडेंस एक इनका इनके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे ग्रुप में सबसे पहले वैसे चंपा आई थी, तो चंपा ने फिर अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि गांव में सब सबका रिलेटिव होता है, तो सबको इकट्ठा करके पहले 8 पैर, फिर 10, अभी 20-22 हमारी जो लेडीज़ हैं वो अभी इकट्ठा हुई हैं। आपका इन्होंने नाम लिया है, जिक्र किया है, जिस तरीके के कपड़े मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े स्टाइलिश नज़र आ रहे हैं, तो क्या बना भी लेती हैं? हाँ मैम, ये सारे हमारी लेडीजों ने, मैंने और मेरे साथ जो सारी लेडीजें जुड़ी हुई हैं उन सब ने बनाया है ये। अच्छा, तो लगभग कितनी महिलाएं जो है उत्तराखंड में वहाँ जुड़ गई है परवड़ा गांव में, और किस तरीके से आप लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और जो डिज़ाइन जिस तरीके से मैंने अभी देखा उन्होंने सिखाया भी है आपको, तो क्या सब लोग इसी तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं वहाँ? हाँ मैम, सब हमारे साथ लगभग 30 लेडीजें जुड़ चुकी हैं और आपकी काफ़ी हैं। अभी हमारा काम जैसे ही शुरू हो रहा है, तो जैसे हमारा काम बढ़ते रहेगा तो औरतें और जुड़ते जा रही हैं। उत्तराखंड आपको दिल्ली में नजर आ रहा है, तमाम संस्कृति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आधुनिकीकरण के जरिए बढ़ावा दिया जाए चीज़ों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे खरीदें। और क्योंकि जब हम पर्यटन पर्व की बात करते हैं तो ऐसे में 150वीं जयंती को इस तरीके से मनाया जा रहा है कि तमाम प्रदेश आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि अपनी अपनी संस्कृति अपने अपने प्रदेश से दिल्ली लेकर आए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो इसके लिए सिर्फ आपको इंडिया गेट आना पड़ेगा, और इसके जरिए आप ना सिर्फ अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं बल्कि ये भी देखेंगे कि कितनी पुरानी चीज़ों को नए आधुनिक तरीके से जो है ढाला जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।